मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ बॉनफोर्ड स्कूल। टेक्स्ट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर फ्रॉम अ लेटर टू गॉड। दिस इज दैट बुक, यू कैन सी द चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। डियर फ्रेंड्स, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस चैप्टर, क्या होता है चैप्टर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू लिटिल। यू कैन रीड इट बाई योर सेल्फ, आप इसको खुद पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द चैप्टर एंड अबाउट इट्स कंक्लूजन। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर, ही राइट्स अ लेटर टू द गॉड। कैसे लिखता है, बिकॉज ही इज लिटिल बिट स्ट्रेट एजुकेटेड, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, नॉट मच एजुकेटेड, बट ही नोज हाउ टू राइट एंड रीड। क्यों लिखता है, ही राइट्स द लेटर बिकॉज ही इज मच डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दिस ईयर बिकॉज ऑफ द रेन His crops did not grow. If the rain came out, then it destroyed the crops. किसको लिखता है, गॉड को लिखता है। कौन रिसीव करता है, रिसीवर्स करेंगे जो पोस्ट ऑफिस में होंगे, हेड पोस्ट ऑफिस जो कि उसकी सिटी का, उसके विलेज का था, वहाँ पर वो लोग रिसीव करते हैं। एंड दे आंसर, वो उसके उस लेटर का आंसर भी देते हैं। दे कलेक्ट सम मनी बाई themselves एंड सेंड हिम टू। लेकिन होता क्या है उसका रिजल्ट, कि वो परेशान हो जाता है। उसका रिएक्शन क्या होता है, कि वो उन लोगों को बंच ऑफ क्रुक्स बोल देता है। ही सेज कि आप लोगों ने मुझसे मेरा पैसा छीन लिया, क्योंकि उसने भगवान से 100 पिसोस मांगे थे, बट लोगों की कलेक्शन के अकॉर्डिंग उसको सिर्फ 70 मिल पाए। तो उसको लगा कि गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता, डेफिनेटली 30 पिसोस इन लोगों ने ही खा लिए होंगे। आप इस चैप्टर को पढ़ें और आफ्टर रीडिंग You can write about these points. Thank you so much.